फैमिली में किसी से ये आपको इन्फ्लुएंस हुआ था, ये किस तरह ये आप इस तरफ आया था कि खुद कंप्यूटर बनाना, ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा। मेरे जी फैमिली जो है वो हम लोग दिल्ली वाले लोग हैं, और ज़्यादातर जो हमारी बिरादरी होती है वो जॉब नहीं करती, काम ही कर रही होती है। तो जब मैं छोटा था, क्लास मेरे ख्याल में 7 साल का होगा, तो हम ईद और बकरीद पे और 14 अगस्त वाले दिन, 14 अगस्त वाले दिन झंडिया बेचते थे, और ईद बकरीद पे जो है वो हम लॉटरी हमारे अब्बा ने ला के दी थी कि ये बाहर बैठ जाते थे जाके, और जबकि ईदियाँ बटोरना शुरू कर देते थे कि भाई जिसकी ईदी जमा होती थी वो उसको हम लॉटरी बेचते, लॉटरी का टिकट बेच देते थे, उससे चीज़ें निकलती थी, लोग खुश होते थे, हम बेचारे सुबह से लेकर शाम तक हमारी ईद जो है वो ख़त्म हो जाती थी इस चक्कर में। बट दैट्स व्हाट वी डिड ऑल आवर लाइफ। ये तो पुराना माइंडसेट था, एक पुराना ट्रेंड था कि पढ़ाई की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं और बिजनेस की तरफ तवज्जो थी, लेकिन आपकी जनरेशन के अंदर आके तो एक माइंडसेट चेंज हुआ, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो, उसके बावजूद आपने इससे क्विट किया और बिजनेस की तरफ ही आप गए, एंटरप्रेन्योर बने, तो इसमें आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज पेश आई? डिफ़िकल्टी सबसे बड़ी तो ये पेश आई कि मैंने जो कोई भी काम किया अपने वालिद के बगैर बताया किया, और मेरे वालिद नहीं चाहते थे कि मैं काम वाम करूँ, और स्पेशली ऐसा काम करूँ जो वो नहीं करते, उनका कागज़ का बिज़नेस है, तो वो चाहते थे कि उनका जो बिज़नेस का नाम था वो भी रेहान पेपर था, तो यही चाहते थे कि मैं जब पढ़ाऊँ तो उनके साथ काम करूँ, एंड वो मैंने नहीं किया, कुछ अर से ट्राई किया लेकिन आई वॉज़ नॉट एबल टू लिसन टू हिम, जो मुझे डायरेक्शन दे रहे होते थे मैं नहीं सुन पाया, और डिफ़िकल्टी सबसे यही थी कि उनसे छुप के काम करना पड़ता था, स्कूल से वापस आता था तो मैं कॉमोडोर 64 की गेम्स बेचता था, स्कूल से जब मैं वापस आता था तो 1 बजा होता था, 2 बजे 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक मैं अपना बिजनेस चलाता था, अखबार में इश्तहार देता था कि भाई आपको कॉमोडोर की गेम ख़रीदने तो रेहान अल्लाह वाला से ख़रीदने, फिर उसके बाद करते करते कॉमोडोर 64 की गेम्स रिलीज़ करना भी शुरू कर दिया, एक दिन मुझे किसी साहब ने ऑफ़र करी कि मैं पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपको दूंगा गेम्स, फिर हमने उस पर टाइटल्स लगाए, और जब भी कोई गेम खेलता था उससे पहले उसको 10 सेकंड मेरा नाम देखना होता था और फ़ोन नंबर देखना होता था, फिर वो आ भी जा सकता था गेम में, सो आई बिकेम वेरी पॉपुलर इन द कॉमोडोर सर्कल। कॉमोडोर 64 एक कंप्यूटर होता था जो कि काफ़ी पुराना हो गया, अब आप लोग ने शायद देखा भी नहीं होगा, एंड उस कॉमोडोर 64 के ऊपर मैं गेम बेचता था, और उसको फिर मैंने पूरे पाकिस्तान में गेम्स भी रिलीज़ करना शुरू कर दिए थे, और जिस तरह मूवीज़ रिलीज़ होती है ना इसी तरह से गेम्स रिलीज़ होते हैं, तो वो मैं करना शुरू कर दिया था। सर, छोटी एज के अंदर आपने कहा स्कूल से वापस आता था तो मेरी सब जो अपना बाकी टाइम था उसके ऊपर देता था, तो क्या आपके कोई दोस्तों का पूल था जिनके साथ इंटरेक्ट करते थे या सब कुछ अकेले करना? मेरे दोस्त बहुत कम थे स्कूल में भी, मेरे घर से वालों की तरफ से इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की, गली में भी नहीं जा सकते थे अकेले, तो ऑलवेज कोई चौकीदार साथ होता था, किसी के साथ जाना होता था, मेरे दोस्त एक दो दोस्त थे, कोई ज़्यादा दूर नहीं थे, दूर रहते थे, मेरे कोई ऐसे दोस्त थे नहीं स्कूल के ज़माने में भी जो मेरी हेल्प करते। हाँ, जब मैंने शुरू कर दिया तो उसके 1-2 साल बाद एक और दोस्त का दोस्त था, दोस्त का कज़न था, उसने फिर पाकिस्तान कंप्यूटर्स के नाम से मैं काम करता था, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट था अबाउट द कंट्री, एवरीथिंग हैड टू बी फॉर पाकिस्तान, आई वॉज लाइक टोटली डेडिकेटेड फॉर पाकिस्तान, एंड मैं गाना भी अच्छा गाता था, लेकिन मेरी वालदा ने कहा कि नहीं तुम गाना गाना है तो सिर्फ नेशनल एंथम गा सकते हो या कौमी नामा गा सकते हो, और कोई गाना गाने की इजाज़त नहीं है, तो मैं क्लास का मॉनिटर होता था स्कूल में फॉर म्यूज़िक क्लास ऑल्सो, बट इन दैट ऑल्सो आई वॉज ओनली अलाउड टू सिंग नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। फिर मैं दूसरे स्कूल ट्रांसफ़र कर लिया था तो वहाँ पर मैं असम्बली में भी सबके सामने स्कूल में नेशनल एंथम पढ़ता था। सर, कंप्यूटर्स ही क्यों, किसके पीछे क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी, कुछ और भी तो हो सकता था, व्हाई ओनली कंप्यूटर्स? मेरे पास जब पहली दफ़ा पैसे जमा हुए तो मैंने एक माइक्रोस्कोप ख़रीदा, मैं बोर बहुत होता था, एंड आई हैव दिस थिंग कि यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, टीवी तो होता नहीं था उस वक्त, ना ही डीवीडीज होती थी, ना मूवीज़ आपको इजाज़त होती थी देखने की, तो आई बॉट अ माइक्रोस्कोप, 3 महीने उसने निकाल दिए, अब माइक्रोस्कोप के नीचे हर चीज़ मैंने रख के देख चुका था, अब ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, अब 3 महीने के बाद फिर बोर होने शुरू हो गए, अब क्या करें, इससे भी तंग आजिज आ गए, सो मेरे कज़न है उन्होंने एक एप्पल 2C ख़रीदा था, तो आई थॉट कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ नाइस, और फिर मैंने कहा मैं ज़िद करी कि मुझे भी कंप्यूटर चाहिए, उन्होंने लिया मुझे भी चाहिए, तो उसके बाद
मुझे कहा गया कि आप ऐसे नहीं ले सकते जब तक आप कोई कोर्स ना करें, क्योंकि उन्होंने खुद का भी कंप्यूटर नहीं चलाया था वालदैन, उन्होंने कभी कंप्यूटर का कोर्स करना पड़ता है फिर कंप्यूटर ले जा सकते। जी तो फिर हमने धक्के खाए, क्योंकि कंप्यूटर वाले 3 इंस्टीट्यूट होते थे कराची में खाली कंप्यूटर सिखाने वाले, एक तारिक रोड पे कहीं था, एक हैदराबाद पे, ABC होता था। तो ABC एकेडमी ऑफ बिजनेस कंप्यूटिंग में 11 साल का था, वहाँ जाके मैंने हमने दरख्वास्त करी कि आप हमें एडमिशन दे दें। उन्होंने एडमिशन ही दिया, भाई आपके पास हमारे पास तो सब इंटर और वो आते हैं, फिर हम आपको एडमिशन कहेंगे, हमने भाई दे दो बड़ी मेहरबानी हो। तो मैंने उस ज़माने में फिर ERP और मुझे पढ़ाई गई और बेसिक पढ़ी, और जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बट एक ओकेजन मुझे मिल गया कि मुझे घर से बाहर जाने का मौका मिल जाता था, चौकीदार के साथ जाता था मैं, 1 घंटे क्लास लेता था। जब कोर्स पूरा हो गया अल्लाह अल्लाह करके, तो फिर मुझे कंप्यूटर दिलाया गया, Commodore 64 कंप्यूटर दिलाया गया, उस पर मैंने गेम वेम बनाए, बेसिक मैनुअल उठाई उसी की और उससे टाइपिंग शुरू कर दी, कलर चेंज हो गया स्क्रीन का, बड़ा खुश हो गया, यार यार कलर स्क्रीन का चेंज। और कंप्यूटर्स के अंदर ये चीज़ होती है ना कि आप गेम लगाएं तो नया कंप्यूटर बन जाता है, तो आपने ऐप चेंज करी तो कंप्यूटर नया हो गया। अब यहाँ पे तो माइक्रोस्कोप के अंदर क्या ऐप चेंज करेंगे आप। सही, तो कंप्यूटर्स के अंदर ये फ़ायदा होता था कि आपने जब कुछ चेंज किया, कोई गेम दूसरा लगाया तो नया गेम, पूरी दुनिया ही नई चीज़ आ गई, दैट्स व्हाट एक्साइटेड मी। फिर उसके पीछे बहुत बहुत स्टोरी है कि हाउ डिड आई एक्चुअली एंड अप इनटू अ बिजनेस विद कंप्यूटर, बिकॉज दैट वाज नॉट इंटेंडेड। तो जब समर वेकेशन आई, तो एक जहाँ से कंप्यूटर खरीदा था मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया समर वेकेशन गुजारने के लिए। और मैं सबको तलकीन भी करता हूँ कि जितने छोटे क्यों ना हो, प्लीज़ कहीं जाके काम किया करो, चाहे समोसे की दुकान पर काम करो, चाहे मलवाड़ी की दुकान पर काम जरूर करो, 2 घंटे काम करो, दिमाग खुलता है। तो खैर मैं वहाँ जाता था उनके लिए, जो मुझे काम कहते थे, माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो किट कंप्यूटर्स का दुकान का नाम था, पंजवानी साहब होते थे, रोशन पंजवानी, उनका इंतकाल हो गया, और वो जो जो काम बोलते थे मैं वहाँ बैठा रहता था करता था। तो उनको मुर्गा मिल गया था एक, कि यार ये बंदा आया, इसको ये भी भेज दे दो, उसको ये भी भेज दो, उसको ये भेज दो, फिर फ़ोन होता था, अब्बा को अब्बा ये ले लो, तो मुश्किलों के बाद वो मिल जाता था। फिर एक दफ़ा कुछ इंसिडेंट हुआ कि मैंने अपनी लाइब्रेरी किसी को कॉपी करके दे रहे थे गेम्स की, और मैंने पूरी लाइब्रेरी की उनसे कहा मैं भी कॉपी ले लूँ, उनका डिस्कें ख़रीद लो और ले लो, तो डिस्कों उन्होंने महंगी बेची मुझको, खैर वो डिस्कें बेची, लाइब्रेरी मेरे पास आ गई, तो मेरे पास एकदम से 700 गेम हो गए कंप्यूटर कॉमोडोर। फिर अखबार में इश्तहार आया किसी और का कि भी मुझे कॉमोडोर के गेम, मैं भी बेचता हूँ। मैंने उनको फ़ोन किया, जी मैं आप चाहें तो एक्सचेंज कर लूँ, आपके पास तो 500 है, बस 700 है। तो मैंने उनको देना शुरू कर दिया, एक्सचेंज कर लिए पैसे नहीं लिए। फिर वहीं पे एक साथ काम करते थे, उन्होंने मुझे कुछ कार्ट्रिजेस दी, फास्ट लोड कार्ट्रिजेस कहते थे उसको, तेज़ गेम लोड हो जाता था उससे, उसको उन्होंने मुझे दी, और जब मैंने जाके दूसरे को सप्लाई करी अपने 100 रुपये बनाने के लिए, तो वो ख़राब थी। और जब मैं वापस आया कि जी आपने ख़राब दी, उन्होंने कहा नहीं तो सही थी, मैंने तुमने ख़राब कर दी। दैट आई गॉट हर्ट एंड आई ओड दैट गाय 3000 रुपीज़ जिसके ख़राब थे। एंड अगर कुछ सीखा है तो ये सीखा है कि झूठ नहीं बोलना है और चोरी नहीं करनी है और गड़बड़ नहीं करनी है पैसे कमाने का। सो आई हैड टू मेक 3000 रुपीज़ समहाउ। सो आई स्टार्ट सेलिंग गेम्स स्कूल में, क्लास में, 7th में पढ़ता था, 8th में पढ़ता था, और उनको कहा भी ये गेम्स हैं, मेरे पास तो इतने गेम हो गए थे कि किसी के पास नहीं होते। मैंने बेचना शुरू कर दिया, पैसे जमा किए 3000 रुपये करके, उनके पैसे उतार दिए, और 3000 रुपये बहुत होते थे 87-89 में। उस तरह से बिजनेस में फंस गए कि भी अब कुछ पैसे कमाने का तरीका मिल गया, ऐसे पैसे भी कमा सकते। आई एम नॉट अ बिजनेस मैन, पीपल थिंक आई एम अ बिजनेस पर्सन, आई एम नॉट अ श्रूड स्मार्ट बिजनेस पर्सन। आई ट्राई टू गिव वैल्यू टू पीपल एंड ट्राई नॉट टू ओवरचार्ज टू एनीवन, एंड आई एंड अप नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ दैट। एवरी टाइम आई हैव एवर मेड मनी इज बाय एक्सीडेंट, समहाउ आई एंड अप विद अ प्रोडक्ट व्हिच made me money, and not a lot of money, decent amount of money. I have never had a hunger for money. मेरी कभी ज़िंदगी में पैसा कमाने की ख्वाहिश ही नहीं गई, और अगर जो मैं दो मेरा ख्वाहिश होती थी मेरे 3 घंटे मेरे अच्छी तरह गुजर जाएँ, मज़ा आता था। I was meeting new people, I was giving them some value, कोई गेम दे रहा था, और मैंने मार्केट ख़राब कर दी थी, 100 रुपये का गेम होता था, मैंने 1 रुपये का बेचना शुरू कर दिया, और एक एक दिन में 1000-1000 गेम मैं कॉपी करता तो 1000 रुपये बन जाते थे। बट वो जाता था मैं, और शाम को जाकर पिज्ज़ा ख़रीद लिया और एक मैगजीन ख़रीद लिया, मैं 1000 रुपये ख़त्म। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग और मेकिंग मनी, इट वाज ऑल फन। एवरी टाइम आई हैव डन एनीथिंग इन माय लाइफ इज फॉर फन, इट्स नेवर फॉर मनी।
सर ये आप 51 बिजनेसेस कर रहे हो 6 कंट्रीज में, इसको आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? लोग करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो सोता रहता हूँ और गेम खेलता रहता हूँ। सिस्टम्स बनाते हैं आप, प्रोसेसेस बनाते हैं और अल्लाह ने किसी ना किसी तरह करा ही देते हैं। अगर हमारा मुल्क जिस तरह चल रहा है वो चल सकता है, पूरा मुल्क चल सकता है, तो मेरे 51 बिजनेस भी चल सकते हैं। दे डोंट मेक ऑल ऑफ देम मेक मनी, आई डोंट डू बिजनेस फॉर मनी, आई डू बिजनेस फॉर द सेक ऑफ फन एंड आई डू इट फॉर अ चैलेंज। The way I do business is that first of all, if I think there's a need of something, I'll go and tell it to 100 people, right. As many people as I can. पहले तो इंटरनेट नहीं था तो आप बताने भी लिमिटेड लोगों को बता सकते थे। इवन देन आई यूज़ टू हैव नेटवर्किंग मीटअप्स एट माई होम, कंप्यूटर बेचने के हवाले, मैंने कंप्यूटर बेचना शुरू कर दिए थे उसके बाद, गेम्स के बाद। उनको बुलाता था घर पर, खाना वाना खिलाता था, चाय पिलाता था, वो कहते क्यों करते हो, मैं ऐसे ही दिल से अच्छा लगता है, मिलते रहते हैं, खुशी होती है, चले जाते। तो नेटवर्किंग हैज़ ऑलवेज बीन माई थिंग, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मीट पीपल, नेटवर्क देम टुगेदर, आपस में बिजनेस करें। मुझे कुछ नहीं मिलता था उसका, खाना भी मैं खिला रहा हूँ, बात बिजनेस आपस में वो कर रहे होते थे और मेरा तो नुकसान ही हो रहा होता था। बट इन द एंड दोज पीपल आर स्टिल वही सेम मेरी बिजनेस में फंसे हुए हैं और आई हैव यू नो ग्रोन अ लॉट हायर देन दैट। सर मैंने खुद अभी तक ना 3 बिजनेस स्टार्ट किए हैं, बट बाई चांस 3 बिजनेस इस टाइम मैंने बंद किए हैं। एक मैंने मलेशिया में रेस्टोरेंट बनाया था पिटालिंग जाए में कोलालंपुर के साथ, वो बंद हो गया। मैंने इधर इंडस्ट्रियल स्टेट में लेदर गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाई, वो भी बाय चांस बंद हो गई। बाय चांस तो बंद कुछ भी नहीं होता, बस यानी कि कोई खास इनकम वगैरह नहीं थी, कोई स्कोप नज़र उस तरह का नहीं आ रहा था, कोई नेटवर्किंग नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे उनको शट डाउन करके दोबारा अपनी एजुकेशन में आना पड़ा। मीन्स कि सर मैंने मैट्रिक के बाद बिजनेस स्टार्ट किया तो मैंने उसको बंद कर दिया। पहला बिजनेस मैंने ये मुल्तान में किया था और ये हम बाहर से सेकंड हैंड मशीनरी मंगवा के उसको एक कबाड़ का काम नहीं होता वो बेचते थे। मैट्रिक के बाद भी मैंने स्टडीज छोड़ दी थी, बट मुझे उसमें कोई ख़ास चार्म नज़र नहीं आया, स्कोप नज़र नहीं आया। मींस के बहुत पैसे वाले लोगों का काम था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी फैमिली ने मुझे दोबारा कहा कि जी बेटा आप पढ़ लो, कुछ बन जाओगे। दोबारा एफ ए किया, एफ ए के बाद दोबारा मलेशिया के अंदर रेस्टोरेंट की अपॉर्चुनिटी नज़र आई, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, बट वहाँ भी एक डेढ़ साल चलाया, बट वहाँ पर कोई वीज़ा इश्यूज आ गए, इमिग्रेशन के कुछ इश्यूज आ गए, भी आप 25 इयर्स के हो, आप बिज़नेस नहीं कर सकते यहाँ पे, हम आपको परमानेंट वीज़ा नहीं देंगे, जिसकी वजह से मुझे दोबारा बंद करके बीए करके अब दोबारा एमबीए करना पड़ा। एमबीए के दौरान ही मैंने लेदर गारमेंट्स की फैक्ट्री लगाई, बट उसमें भी कोई खास रिटर्न नहीं था, तो मुझे तो मैंने यही आपसे इंस्पायर किया, भैया 51 आप बिज़नेस रन करें तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे, मेरे जैसे जो एंटरप्रेन्योर जो छोड़ देते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं, वो क्या आप हमें सजेस्ट करेंगे? आपने जो तीनों बिजनेस बताए हैं उनमें से मैं कोई भी बिज़नेस नहीं करता कभी भी, क्योंकि सब में पैसे लगते हैं। इन्वेस्टमेंट और मैंने कभी भी इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस आज तक ज़िंदगी में नहीं किया, मैंने तो माइनस इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस किया। तो मेरा मैंने आपको एयरलाइन का भी मैं एग्जांपल दी जी। कि मैं एयरलाइन आपको खोल के दिखाऊंगा बगैर इन्वेस्टमेंट के। तो आई डोंट नो हाउ टू डू बिज़नेस विद मनी, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया कि अगर पैसे पड़े हों तो उसको क्या करना है। इसीलिए मेरे पास कभी भी बैंक में पैसे ही नहीं होते, मैं रखता ही नहीं, जो आते हैं खर्च कर देता हूँ, थोड़े 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 देर खर्च कर देता हूँ। आई हैव नो बैंक अकाउंट, ऑलमोस्ट नो मनी फॉर द रेनी डे फॉर एग्जाम्पल। सो आई डोंट नो, आई कैन गाइड यू व्हाट यू कुड डू नेक्स्ट, बट आई वुड नॉट डू एनीथिंग विद मनी, आई डोंट बिलीव इन डूइंग बिजनेस विद मनी। यहाँ पे जैसे हमारा इंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स एमबीए करने के बाद भी इसे ढूंढना चाह रहे हैं जॉब्स, 20-25 हज़ार, लेकिन एक आइडिया जनरेशन बेसिकली चीज़ होती है। आइडिया जनरेशन इज नथिंग, नेटवर्क इज एवरीथिंग। सर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फील्ड से बिलोंग्स करते हैं, लाइक माय ब्रदर ही इज इन प्रॉक्टर एंड गैम्बल। अब मैं उसे जब भी बात करूँगा कहेंगे जी फाइनेंस, एमबीए फाइनेंस कर लो, अच्छी जॉब मिल जाएगी। नौकरी क्यों कर लिया? मीन्स कि ऐसी बहुत सी, यानी कि नौकरी से इस टाइम ये वैसे इतना की मैं 30 ले रहा हूँ, 30,000 ले रहा हूँ। वॉट इज 30,000? नथिंग, काफ़ी नथिंग। 3 करोड़ की पूरे टारगेट करते, 3 लाख के टारगेट में करते, 3 करोड़ के टारगेट में, 30 करोड़ के टारगेट में करते, 300 करोड़ के टारगेट में करते। वही तो मेरा आपसे इंटरव्यू करने का मकसद था कि टारगेट ही नहीं रखोगे तो फिर पहुँचोगे कैसे? रास्ता तो खुद नज़र आ जाएगा। तुमने गोल बनाना है, सबसे पहले आपको बताया आपने गोल क्या बनाया है, आपका गोल क्या है? आप गोल ही नहीं मालूम, अगर आप टारगेट 50,000 की नौकरी बनाएंगे तो आपको वही मिलेगी। अल्लाह ताला के पास समंदरों हैं, कोई कमी नहीं है देने की। आप उनसे जाके 1 करोड़ मांग लें या 1 रुपये मांग लें, उनको सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ऐसा समंदर, समंदर में जाओ, एक डोंगा निकाल लो, एक हाथ भर के निकाल लो, या ट्रक भर के निकाल लो, हैं, या बिल्डिंग भर के पानी निकाल लो, समंदर को कुछ नहीं होता।
इसी तरह अल्लाह ताला का खजाना है। डायमंड जो है वो सितारों आसमान में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, हमें सबको आप तो हमें मालूम भी है कि जी इस तरह के जो वो